हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में क्या पार्ट डिस्कस कर लिया, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे हमने कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स के बारे में देखा, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने वहां पे जो फीडबैक का इफेक्ट होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग यहाँ पे अपना शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून प्रिंस, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, हेलो प्रियंका, कल्पना, क्षितिज, राहुल, रवि, प्रियेश, आई एम गुड। आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? चलिए, तो मैं यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, चलो, तो इसमें आपको क्या समझना है पहले वो समझो। मेरे पास मान लो एक सिस्टम है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये जो सिस्टम है ना, एक्चुअली में सिस्टम तो एक ब्लॉक मुझे दिख रहा है, एक डब्बा दिख रहा है, लेकिन इस डब्बे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। इसको आप एग्जांपल से समझो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मोबाइल फोन है, ठीक है, दैट इज माई मोबाइल फोन। ठीक है, ऐसा आप अज्यूम कर लो कि ये मेरे पास एक मोबाइल फोन, ये बटन वगैरह है, ठीक है ना। अब ये तो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है एक बार थोड़ा सा लगा ही हम लोग आप जो कर तो रैम होगा, एक रोम होगा, हार्ड डिस्क होगी, है ना। इसमें हमारे पास क्या है? टच है, इसमें वाईफाई है ना। तो कहने का मतलब क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन सबसे मिलके मेरा एक सिस्टम बन रहा है। समझ में आया? वैसे कि सिस्टम है, एक्चुअली में सिस्टम के अंदर बहुत सारे ब्लॉक हैं और वो सारे ब्लॉक आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। तो मुझे ये बताना है कि अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इन सभी की वैल्यू पता है, तो क्या मैं और जितनी ब्लॉक कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो क्या मैं इन सभी की वैल्यू जानकर इस सिस्टम की जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी क्या मैं बता पाऊंगा? या फिर और आसान शब्दों में बताना चाहूं मैं, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे इसके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पता है, इसके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पता है, इसके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पता है, मतलब जितने भी डब्बे हैं उन सभी के ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पता है, तो ये जो पूरा बड़ा डब्बा बनेगा ना, इसके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वही हम लोग देख, उसी को हम बोलते हैं क्या? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले कुछ रूल्स हैं, उनको समझ लेते हैं, देन फिर हम मूव करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि अगर दो ब्लॉक कैस्केड है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है? G1 G2 होता है। कैसे होता है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो कैसे समझो, गया जैसे मान लो एक ही ब्लॉक है G1 और एक ब्लॉक है आपके पास यहाँ पे G2। ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट देते हो R(S) और यहाँ पे आउटपुट होता है C(S). अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? देखो यहाँ पे आउटपुट आता है क्या, आप हमेशा इनपुट को स्टेप बाय से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा R(S) G1(S) या फिर G1 रख दो, इतना आउटपुट आएगा। और ये जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? तो इसका आउटपुट हो जाएगा R(S) G1 G2। अगर मैं वही चीज यहाँ पे कर दू, एक डायरेक्ट बड़ा डब्बा ले लू, G1 G2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ क्या आपका R(S), तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? इस इनपुट का इस डब्बे मल्टीप्लाई कर दो R(S) G1 G2, सेम आउटपुट आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या कि ये G1 G2 अगर कैस्केड है तो उनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, G1 G2 पे। तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। दो ब्लॉक अगर आपस में जुड़े हुए हैं कैस्केड, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? जस्ट आप उन दोनों ब्लॉक को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और कैस्केड किसको बोलते हैं? जब पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले के लिए इनपुट का काम करे उसको हम बोलते हैं आपका कैस्केड कनेक्शन। आई थिंक ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा।
दूसरा कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। अब टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है वो भी समझो, वो भी समझना आप। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो एक डब्बा है, ब्लॉक है जिसकी वैल्यू लिखी है यहाँ पे जी, ठीक है कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे इनपुट देता हूँ मैं आर, यहाँ पे आउटपुट आता मेरे पास सी। ओके बहुत बढ़िया। अब ये पूछू अगर मैं आपसे कि यहाँ पे इनपुट क्या है तो बोलोगे आर, यहाँ पे क्या इनपुट है आर, आर 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 आर, इस पूरी लाइन पे आपका इनपुट क्या है आर। अब यहाँ पे आपका आउटपुट क्या जाएगा आर इंटू जी, हाँ या ना। यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा सी इक्वल टू आर इंटू जी, तो यहाँ पे क्या आउटपुट है आर इंटू जी, 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 किसी पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे आउटपुट इतना ही है। ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से कुछ मैं सैंपल उठाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं इनपुट लूंगा तो कितना आएगा इनपुट आर, क्योंकि इस पूरी लाइन में कितना इनपुट है आर। ठीक है अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पॉइंट को जो यहाँ पे मेरे पास डब्बा है ना, ये मैंने सैंपल लिया है जो पॉइंट, इसको बोलता हूँ मैं टेक ऑफ पॉइंट। क्या टेक ऑफ पॉइंट, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए। तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, करके देखते हैं। ये जी हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे क्या था आर, ठीक है, और यहाँ पे भी था मेरे पास सी, और सी की वैल्यू सबको पता है क्या, आर इंटू जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, लेकिन जब मैं यहाँ पे सैंपल लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आर इंटू जी आएगा ना, लेकिन मुझे चाहिए था आर। तो मुझे बताओ इसमें आर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने एक नया डब्बा बना लिया यहाँ पे। ये देखो तो यहाँ पे मैंने क्या वन अपॉन जी, तो यहाँ पे इनपुट क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा मेरे पास सिर्फ आर, क्योंकि यहाँ पे आर इंटू जी था, यहाँ पे भी आर इंटू जी था, जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/g कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टेक ऑफ पॉइंट को जो कि ब्लॉक के पहले है, अगर मुझे ब्लॉक के बाद ले जाना है तो मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको और अच्छे तरीके से बताऊं। अभी मैंने क्या किया, टेक ऑफ पॉइंट को पहले से बाद की तरफ लेके गया, हाँ या ना। जो टेक ऑफ पॉइंट था ब्लॉक के पहले था उसको मैं बाद में लेके गया, वन अपॉन जी आ गया। तो अब मुझे आप लोग बता सकते हो क्या, बिना कुछ कैलकुलेट किए, बिना कुछ कैलकुलेट किए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लॉक था जिसकी वैल्यू जी है, यहाँ पे इनपुट आर है, यहाँ पे आउटपुट सी है। टेक ऑफ पॉइंट मान लो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है सी। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक है वो इधर आ जाए, किधर आ जाए, पहले आ जाए। तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप तुरंत बता पाओगे क्या यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट लाने में एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा मुझे, हाँ या ना, और उस ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, जी होगी। मतलब अगर आप पहले से बाद की तरफ जा रहे हो तो वन अपॉन जी आता था, अगर आप बाद से पहले की तरफ आ रहे हो तो आपको सिर्फ एक जी ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है समझ में आया कि नक्को आया, आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको यहां तक बता दी, ये बता दिया, ये बता दिया। तो अगर पहले से बाद की तरफ जाते हो वन अपॉन जी लग रहा है, और अगर बाद से पहले की तरफ आए हो तो एक जी ब्लॉक आपका कनेक्ट होगा। ठीक है अब इसको देखो, अब बात करते हैं समिंग पॉइंट की। समिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे ये भी देख लो, मैं आपको बता के दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक ब्लॉक है जिसकी वैल्यू है जी, ठीक है, यहाँ पे समिंग पॉइंट है, प्लस प्लस दोनों लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा इनपुट आर वन, यहाँ पे इनपुट लिखा आर, यहाँ पे लिखा है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा तो क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, है ना। तो आउटपुट मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी आर वन जी प्लस आर टू जी, मल्टीप्लाई करने में ये मेरे पास आउटपुट आएगा सी इक्वल्स टू। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस समिंग पॉइंट को मैं डब्बे के बाहर ले जाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे जी था, ठीक है समझ रहे हो, समझ रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट आर आर वन था, अब यहाँ पे मैं जो समिंग पॉइंट है मेरे पास उसको मैं बाद में ले जाना चाहता हूँ, बाद में ले गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सी। ठीक है अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे यहाँ पे इनपुट आता है आपका आर वन इंटू जी, डब्बे के पहले तक, समिंग पॉइंट के पहले तक ये आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नया डब्बा लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे होगी जी, और यहाँ पे आप ऐसे इनपुट दोगे आर टू, तो यहाँ से आएगा आर वन जी, यहाँ से आएगा आर टू जी, कितना जाएगा आर टू जी, तो ऐसे इक्वल कितना आ जाएगा आर वन जी प्लस आर टू जी। तो क्या समझ में आया बेटा, कि जब समिंग पॉइंट को पहले से बाद की तरफ लेके जाओगे तो जी डब्बा जोड़ना पड़ेगा,
लेकिन अगर इसी समिंग पॉइंट की जगह टेक ऑफ पॉइंट होता तो मुझे यहाँ पे वन अपॉन जी लगाना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो समिंग पॉइंट है, पहले से बाद की तरफ जा रहा हूं, बाद पहुंच गया तो जी डबल लगाना पड़ा। लेकिन यही चीज आप कहां पे कर रहे थे, टेक ऑफ पॉइंट में, तो वन अपॉन जी आ रहा था। वैसे समिंग पॉइंट को बाद में है ये, पहले लेके आ रहे हो तो वन अपॉन जी डब्बा कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बार सब लोग कंफर्म तो कर दो यार कि समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने आपको अभी तक बताया है, जो मैंने आपको अभी तक बताया, क्या उतना समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म करो सभी। चश्मा गंदा हो गया, पता नहीं क्यों इतना गंदा होता है चश्मा। स्क्रैचेस आ गए। क्लियर है? चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना पूरी कहानी आपकी अधूरी है, ठीक है? एक क्वेश्चन लिया आप मैंने ना, देखो मुझे बोला गया कि ये आपका एक सिस्टम है जो कि बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनाए हैं, आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या, ठीक है? तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है? देखना सब लोग प्रॉपर तरीके से, सब लोग प्रॉपर तरीके से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ था है ना, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ये G1 और G2 दोनों मल्टीप्लाई है कि नहीं, मतलब कैस्केड में है कि नहीं है? बिल्कुल कैस्केड है। इनका ब्लॉक कितना हो जाएगा, G1 G2, और बाकी पूरा डायग्राम आप बना दो यहाँ पे। देखिए ना, बाकी पूरा चीज आप यहाँ पे बना लो, ये प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी आपके पास एक डब्बा है जिसकी वैल्यू है H1। अब देखो ये एक क्या बन गया, क्लोज लूप सिस्टम। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, G/1+GH। तो अगर मैं ये लगा के देखूं तो ये भी एक नया डब्बा बन जाएगा, एक सिंगल डब्बा, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे G1 G2 / 1+G1 G2 H1, ठीक है? तो इतना पहुंच गया। और यहाँ पे ये आपके पास किसकी वैल्यू है, G3 अलग से है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको इसको आपस में कैस्केड हो गया, तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा G1 G2 G3 / 1+G1 G2 H। ये आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास R ऑफिस था, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑफिस, तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझ में आया सभी को कि नहीं आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया, देखो G1 G2 कैस्केड हो गए, G1 G2 हो गए, इसका आपने इसका निकाल दिया, ठीक है ना? तो इसका कितना आ गया, इतना आ गया। फिर ये अगेन G3 के साथ क्या मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कैस्केड में थे, तो आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे तरीके से, है ना? मैं क्या करता है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं, ये G3 है, हाँ या ना, ये G3 है, इस G3 के बाद अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो सर उस तरीके से बता दो, उस तरीके से बता दो, तो मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ आपको। देखो दोनों तरीके से मैं इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो सेम क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस G3 को देखना सभी लोग प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे G3 है ना, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बाद में ले जाना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा? ये आपका G1 था, ये डब्बे के अंदर G2 था, ये तो पहले से कैस्केड थे, ठीक? और यहाँ पे आपके पास क्या G3 है। बताओ मुझे टेक ऑफ पॉइंट ये G3 के पहले है, G3 के बाद लेके जाना, पहले से बाद जाओगे तो 1/G आता है ना कि नहीं? तो ये आपके पास क्या हो गया, आर ऑफ एस इधर था, इधर सी ऑफ एस था, यहाँ पे आपका टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से आ गया, ये आपका समिंग पॉइंट था, ये ऐसे यहाँ पे था H1, इतना तो बन गया। अब टेक ऑफ पॉइंट आपका कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे चला गया बाद में, और जब बाद में एक डब्बा और लगाना पड़ेगा, कितनी वैल्यू का, 1/G3 वैल्यू। अब सॉल्व कर दो कैसे, G1 G2 G3 मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा G1 G2 G3, एक डब्बा बन गया ये,
है ना, अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H1 by G3 है ना। अब आप यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है ना G/1+GH का, उसको आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी मैंने सॉल्व किया, आप ये देखो, ये देखो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। जो ये G3 था उसको मैं बाद में लिख के गया हूँ, G3 को मैं यहाँ पे क्या लिख गया बाद में, तो 1/G3 का डब्बा आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे G1 G2 G3 आ गया, ये हो जाएगा आपका H1/G3। फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मुझे सेम आंसर मिला जो कि मुझे पहले यहाँ पे मिल रहा, जो मुझे यहाँ पे सेम आंसर मुझे देखने को मिल रहा। समझ गए कैसे चीजों को हमको अप्रोच करना है इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट है क्या? आप लोग को ना प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार, है ना। समझा तो मैं प्रॉपर तरीके से दूंगा, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। लाइट को क्या हो गया राज, लप लिप लप लिप लप लिप कर रहा है, मेरे कंप्यूटर में भी कर रहा है। चलो तो एक और क्वेश्चन, डाउट समझ नहीं आया क्या प्रिंस? समझ नहीं आया, आपने नो बोला है, डाउट के लिए नो बोला है कि समझ आ गया उसके लिए बोला है? किस रिस्पेक्टेड में आपने नो बोला है? सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, नो डाउट। चलो अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ये वाला, इसमें क्या होता है ना कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि बार बार डब्बा बनाना पड़ रहा, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है सिर्फ। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा कम करने के लिए, छोटा करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो है हमारा क्या, सिग्नल फ्लो ग्राफ। आप ये मान के चलिए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कभी देखने को मिला ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का, उस क्वेश्चन को आप कभी भी ये पुरानी वाली मेथड सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको सॉल्व करोगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से, क्योंकि ये एक लाइन में आपका आंसर बता देगा। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे पास एक ये डायग्राम दिख रहा है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिंगल लाइन डायग्राम। क्या मेरे पास सिंगल लाइन, ठीक है। इसमें ये क्या बताता है, ये पूरे ब्लॉक के बारे में ही बता रहा है, ये जो चीजें हैं ना क्या है आपका, पूरा ब्लॉक के बारे में ही ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ चीजों को समझना होगा, जैसे A12 लिखा है, ये सब लिखा ना, X1 X2 X3 X4 X5, ये सब क्या आपके नोड, क्या आपके पास ये ऑल दोज आर नोड, ठीक है राइट। और ये समझिएगा कि ये A12 A32 A23 A43 जितनी भी हैं, ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ऑल दीज आर ब्रांच गेन। जैसे वहां पे लिखा था G1 G2 G3 लिखा रहता था, जैसे यहाँ पे G1 G2 ये सब क्या थे, ब्रांच गेन थे, वैसे यहाँ पे भी ये ए जितनी भी है ना, ये A23 A34 A25 A23 A12 A14 A55 A45, जहां पे भी ए लिख क्या रहा है वो आपके क्या है, ब्रांच गेन है। ये X1 है ना, X1 X2 X3 X4 X5 भी आपके नोड है, समझ में आया। अब जैसे नोड बहुत सारे हैं, X1 X2 X3 X4 X5 भी आपके नोड है, लेकिन हमको समझना होगा यहाँ पे इनपुट नोड क्या है, यहाँ पे आउटपुट नोड क्या है, ठीक है। इनके बारे में हमको समझना होगा, लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना, इनपुट नोड वो नोड होता है जहां से सिर्फ सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस, मतलब इस पे कोई भी इनकमिंग ब्रांच ना, है ना, जिसपे सिर्फ और सिर्फ क्या हो आपकी आउटगोइंग ब्रांचेस हो, उसको मैं बोलता हूँ आपका इनपुट नोड। जहां पे सिर्फ मेरे पास X1 है, जहां पे सिर्फ इनकमिंग है, X2 पे बोलूं मैं तो इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी है, X3 पे भी देखो इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, समझ में आया। तो क्या बोला मैंने, हम उस नोड को इनपुट नोड बोलते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस। आउटपुट नोड किसको बोलते हैं, आउटपुट नोड उसको बोला जाता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस। यहाँ पे देखो इस पे, यहाँ पे इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है, तो जिस ब्रांच पे सिर्फ और जितनी ब्रांचेस हैं सब इनकमिंग हो, उसको बोलता हूँ आपका आउटपुट नोड। इनपुट किसको बोलता हूँ, जहां पे सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस हो। आउटपुट नोड किसको बोलता हूँ, जिस पे सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस हो। इस डायग्राम के लिए X1 इनपुट नोड हो गया, X5 मेरे पास आउटपुट नोड हो गया,
ठीक है। अब बात आती है फॉरवर्ड पाथ। देखो ये आपका क्या था, इनपुट था, ये आपका था आउटपुट। तो अगर आपको इनपुट से आउटपुट तक पहुंचना है तो कितने रास्ते हैं उन्हीं को बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। बस आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है। जैसे अगर मुझे X1 से X5 पहुंचना है तो एक सीधा रास्ता ये है, क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा रास्ता है, A12, A23, A34, A45। तो पहला रास्ता तो आपको क्लियर हो गया, ये वाला, ये देखो, ठीक है। और अगर पूछू मैं आपके पास एक और रास्ता, कौन सा रास्ता, आप ऐसे गए डायरेक्ट ये चले गए, तो दूसरा रास्ता हो गया कौन कौन सा, A12, A25, A12, A25। क्या आप लोग मुझे बताना क्या ये रास्ता बन सकता है, ये फिर ये जा सकते, नहीं डायरेक्शन अपोजिट हो गए, आप ऐसे जाओगे इस डायरेक्शन ऐसे है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। आप लोग मुझे बताना क्या ये रास्ता हम चल सकते हैं क्या, यहां से गए यहां तक गए यहां तक गए, ठीक है, फिर ये ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे चले गए, तो ये रास्ता भी गलत है। क्योंकि जब आप फॉरवर्ड पाथ में चलोगे तो आप किसी भी नोड पे दो बार नहीं जाओगे। कैसे, जैसे मान लो अगर आप यहां से ऐसे गए यहां से ऐसे गए और यहां से ऐसे गए, अब जब आप लौटोगे तो आप फिर से उसी नोड पे आ गए ना, मतलब आपने रूल ब्रेक कर दिया। आपको जाते समय कभी भी, मतलब इनपुट से आउटपुट की तरफ ट्रेवल करते समय एक नोड को दो बार नहीं रिपीट करना है। तो क्या बोला मैंने, फॉरवर्ड पाथ इज अ ट्रेवर्सल फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट नोड सच दैट नो नोड इज रिपीटेड ट्वाइस, कोई भी नोड दो बार रिपीट ना हो। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ हो गए, कौन कौन से, पहला सीधे निकल जाओ और दूसरा ये वाला, तो दो मेरे पास यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ, इनको मैं P1 P2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये हो जाएंगे मेरे पास फॉरवर्ड। फिर एक बात आती है लूप के बारे में, इसी कॉन्सेप्ट में कहता है लूप किसको बोलते हैं, लूप उसको बोलते हैं जहां से आप स्टार्ट करो वहीं पहुंच जाओ और कोई भी नोड दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अ पाथ विच स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट विथ नो नोड रिपीटेड, मतलब कोई पूछे आपसे लूप क्या है, तो लूप एक पाथ है ना, मतलब जहां से आप स्टार्ट करो उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाओ, इस प्रोसेस में कोई भी नोड दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इस डायग्राम में देखा जाए तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ यहां तक गया ऐसे, यहां से ऐसे आ गया, मतलब मैं यहां से स्टार्ट किया था मैंने और यहीं पे मैं दोबारा आ गया और कोई भी नोट दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो ये मेरे पास एक लूप बन गया जिसका नाम होगा A23, A23, A32, ये पहला लूप हो गया। दूसरा लूप ये हो गया A34, A43, ये दो लूप बन गए, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, तो कितने लूप बन चुके हैं मेरे पास यहाँ पे टोटल, मेरे पास यहाँ पे टोटल चार लूप बन चुके हैं, L1, L2, L3, L4। कौन कौन से हैं वो मैं फिर से बताता हूँ, पहला ये वाला लूप था, दूसरा ये वाला लूप था, तीसरा ये वाला लूप था और चौथा ये लूप था, चार लूप मेरे पास यहाँ पे बन गया। फिर एक बनता है यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट टू नॉन टचिंग लूप, मतलब चार लूप हैं, इन चार लूप में से कौन से लूप हैं जो एक दूसरे की बाउंड्री को टच नहीं कर रहे। जैसे अगर अभी बात करूं मैं तो एक ये लूप हो गया और एक ये वाला हो गया, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास पहला टू नॉन टचिंग लूप। क्या हो जाएगा, A23, A32, A44, A23, A32, A44। दूसरा एक और तरीका आपका कौन सा, यही वाला देखना, ये वाला और ये वाला, मतलब A23, A32, A55, A23, A32, A55, ये दूसरा बन गया। एक और बन सकता है आपका कौन सा, ये वाला, ये और ये, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला अभी भी आपका क्या है, नॉन टचिंग में आता है, मतलब A34, A43, A55, ये बन गया। एक और है ये वाला लूप और ये वाला लूप, ये अभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो A44 और A55 ये हो जाएगा आपका टू नॉन टचिंग लूप। सर A25 लूप नहीं बनेगा, A25 लूप नहीं बनेगा, रास्ता देखो ना, रास्ता कैसे बन सकता, नहीं बन सकता ना, तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखो आप यहां से चलना शुरू किए, मान लो आप यहां से चलना शुरू किए, यहां से आप यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या, देखो ना ये अपोजिट है, आप नहीं जा सकते है ना, इस वजह से ये लूप नहीं बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
थ्री नॉन टचिंग लूप भी आप ऐसे देखना है कि ऐसे कौन से तीन लूप है इसमें जो कि आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो तीन लूप मेरे पास है यहाँ पे, एक ये लूप बन गया, एक ये लूप बन गया और ये लूप बन गया। ये तीन ऐसे लूप हैं जो कि एक दूसरे की बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री नॉन टचिंग लूप। क्या क्या हो जाएगा, A23, A32, A44, A55, A23, A32, A44, A55। फोर नॉन टचिंग लूप कितने हैं, मतलब चार ऐसे लूप जो एक दूसरे टच नहीं कर रहे हो, तो ऐसा हमारे पास कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। चार ऐसे लूप नहीं जो एक दूसरे टच ना कर रहे हो, है ना। यहाँ पे हम बोल देंगे इसको जीरो। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, TF=P1∇1P2∇2/D। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ये फॉरवर्ड पाथ, यहाँ पे P1 P2 क्या है आपके फॉरवर्ड पाथ। अगर मान लो मेरे पास तीन फॉरवर्ड पाथ होते तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, P1∇1P2∇2P3∇3/D। बात आती है सर यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या है ना, ये डाउट बहुत लोग के मन में आता है कि डेल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो वो आप लोग यहाँ से समझोगे। तो डेल की वैल्यू होती है क्या, 1 माइनस सम ऑल ऑल लूप, जितने भी लूप हमारे पास थे चार लूप थे उन चारों लूप का सम, प्लस क्या करना है हमको, जितने भी हमारे पास टू नॉन टचिंग लूप थे उनका सम, फिर माइनस थ्री नॉन टचिंग लूप प्लस फोर नॉन टचिंग लूप। तो इस प्रकार से हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। और डेल्टा वन और डेल्टा टू क्या है, डेल्टा वन क्या है, डेल्टा की वैल्यू है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता। डेल्टा टू क्या है, डेल्टा टू भी डेल्टा की वैल्यू है जो कि P2 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर निकालने के फॉर्मूले को मेसन गेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, मेसन गेन फॉर्मूला, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, फॉर्मूला क्या है आप याद रखना, पी के डेल के अपॉन डेल, अगर के की वैल्यू मतलब फॉरवर्ड पाथ दो है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर तीन फॉरवर्ड पाथ है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। आई थिंक आज मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया, क्यों, आपको ब्लॉक डायग्राम डक्शन भी बता दिया और मैंने आपको मेसन गेन फॉर्मूला भी बता दिया। तो यहां तक के नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपके बैच में मैं अपलोड कर दूंगा। जो कल वाली क्लास होगी वहां पे मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा इतना आप जितना थ्योरी मैंने कराया है उतना आप लोग रिवाइज करके रेडी रखिएगा। ठीक है, डेल्टा वन और डेल्टा टू क्या है, डेल्टा वन डेल्टा की वैल्यू है जो कि P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। ये आपको ज्यादा अच्छे का समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन कब सॉल्व कराऊंगा, कल वाली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जितना मैंने आज कराया है ना, आज तक जितना मैंने कराया है प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर लो। कल जो क्लास होगी, कल आपका संडे है तब भी आपकी क्लास होगी, संडे को हमारा ऑफ नहीं रहता है ना, हम लोग ऑलरेडी एक दो दिन ऑफ ले चुके हैं पहले से ही, तो संडे हमारा ऑफ नहीं है। तो आप लोग कल रेडी रहिएगा इसी टाइम पे, हम लोग कल इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और मंडे को फिर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा धुआंधार धुआंधार, हम लोग क्या करेंगे, मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना रिवाइज करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।